नमस्कार साथियों ग्रोथ एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ ग्रोथमाट यूपीएससी पर मैं द्रुजानी आप सब हार्दिक कर स्वागत करता हूं जैसे आपको मालूम है कि इस विषय से श्रृंखला के तहत महत्वपूर्ण हाँ तो कानूनों की चर्चा की जाती है जिन कानूनों ने आज के भारत के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई और साथ ही यह आज़ादी का पचहत्तरवा वर्ष चल रहा है तो यह पूरी श्रृंखला आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को हम समर्पित करते हैं प्लस जैसे जैसे इस श्रृंखला का विकास हो रहा है एज द प्ले लिस्ट इज प्रोग्रेसिंग अलग अलग जो विभाग है इस पुस्तक में वे अब धीरे धीरे संपूर्ण होने जा रहे हैं ख़त्म होने जा रहे हैं आज भी भाग भागदस का यह आखिरी लेक्चर है जैसे मैं मालूम है कि भाग भागदस जो संपदा है जो बौद्धिक संपदा है उनके जो अधिकार है उसके साथ जुड़ा हुआ है जिनमें हमने कॉपीराइट्स देखा फिर जो है पेटेंट्स देखे ट्रेडमार्क देखा और आज यहाँ हमें जियोग्राफिकल इंडिकेशन या जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन नामक एक जो कानून है जो कि अलग अलग चीज़ वस्तुओं को एक भौगोलिक आप कह सकते हो कि एक भौगोलिक पहचान देती है भौगोलिक पहचान से और जो है उसे पूरे विश्व में विख्यात बनाती है तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है साथ ही इस कानून से भारतीय गृह उद्योग को बहुत ही अच्छा फायदा मिला भारतीय जो गृह उद्योग की जो अलग अलग प्रोडक्ट्स थी क्योंकि जैसे मैं मालूम है कि इंडिया इज अ रिच कंट्री ठीक है हम अपने कल्चर में रिच है हम अपने लाइफ में रिच है तो जो ट्राइबल्स के द्वारा या अन्य जो प्रजातियों के द्वारा विशेष प्रजातियों के द्वारा जो चीजों का निर्माण किया जाता है उन्हें पूरे विश्व में पूरे विश्व की बाजार में एक पहचान मिली तो यह भी एक यहाँ महत्वपूर्ण चीज इस कानून से हुई है तो ऐसा यह अति महत्वपूर्ण है प्लस इस आ, जो है कानून ने एक न्यायिक सुरक्षा प्रदान की है न्यायिक सुरक्षा इन द सेंस कि भाई एक बार अंडर जीआई टैग जो है रजिस्ट्रेशन हो गया किसी भी चीज वस्तु का तो फिर उसकी डुप्लीकेसी जो है वो नहीं की जा सकती वो एक प्रकार का एक्सक्लूसिव राइट यहाँ जो रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स है उनको प्रदान होता है तो ये यह भी यहाँ अपने आप में इस कानून की ही भेंट है तो शुरू करेंगे यह कानून की मूल चर्चा मगर उससे पहले क्विकली मैं आपको बता दूँ कि हमारी वेबसाइट है आप वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं परीक्षा संबंधी जो संसाधन है वो तो प्राप्त कर ही सकते हैं मगर इसके साथ ही यह सारी चीजें इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग वहाँ आपको मिलेगी वहाँ पढ़ सकते हैं वहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं इवन यू कैन डाउनलोड पी डी एफ उन्होंने वहाँ पी डी एफ भी रखी है आप हमारे साथ रजिस्टर लॉग इन करके सारी चीज़ों को जो है सारी चीज़ों तक पहुँच सकते हैं प्लस आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर हमारा पेज है तो आप वहाँ भी उस प्लेटफॉर्म से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और धीरे धीरे जब डॉक्यूमेंटेशन हमारे द्वारा जो है यहाँ से शुरू किया जाएगा तो टेलीग्राम भी आपको दिया जाएगा तो आप वहाँ से भी चीज़ों को या संसाधनों को डाउनलोड कर सकेंगे तो अब हमारी मूल बात शुरू करेंगे सेम मॉडल सोप्रांडी जो आपको मालूम ही है सबसे सब प्रथम यहाँ इंट्रोडक्शन की बात की जाती है फिर इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं और फिर जो मुख्य उद्देश्य है या ऑब्जेक्टिव कह लीजिए और उद्देश्यों के पश्चात प्रमुख प्रावधानों को देखना है और अंततः अगर कोई इसमें संशोधन है तो उसे देखेंगे और अंततः इसके महत्व एवं इसके आलोचना की बात करेंगे तो ये हमारी सामान्य मोडस ऑपरेंडी है सामान्य क्रम है हमारा अब इंट्रोडक्शन माइंड मैप से देखना है कि क्या दरअसल यह कानून जो है वो किस लिए है और किस प्रकार का है ज्योग्राफिकल आइडेंटिकेशन इंडिकेशन आई एम सॉरी ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन अंडर एक्ट नाइनटीन इज टर्म डेज सी जेनरस एक्ट

अलग अलग भौगोलिक स्थान की जो चीज वस्तु वहाँ के जो उत्पाद है उन्हें रक्षित कर सके, उन्हें आरक्षित कर सके एक्ट यस यह में यह कानून कैसे लागू होगा रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कैसे किया जाएगा वहां से लेकर इसके इंप्लीमेंट तक सारी चीजें यहाँ इस कानून में चर्चित है एक्ट ऑल्सो रिक्वायर्स नेसेसरी बॉडीजन आर कंपाइल्ड विध एंड लेस डाउन तो ऑफेंस एंड पेनल्टीज टू रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन यस तो यहाँ इस कानून को कुछ ऐसी नेसेसरी बॉडीज चाहिए कुछ ऐसे सरकारी अंग चाहिए जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इस कानून के क्रियान्वयन को सफल बना सके और यहाँ इस कानून के द्वारा जो जो कल्पना की गई है उस कल्पना को यहाँ जमीनी हकीकत में बदल सके तो उसके लिए यहाँ कुछ नेसेसरी बॉडीज चाहिए वो भी इस कानून में प्रावधान है अब ये केंद्र सरकार का दायित्व है कि दे शुड प्रोवाइड जोग्राफिकल आइडेंटिकेशन या इंडिकेशन आई एम सॉरी जो मैकेजम है विथ सम नेसेसरी बॉडीज विच आर रिफर्ड हियर ठीक है तो ये कुछ ऐसे जो है ऐसी जिम्मेदारियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आएगी इस कानून से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज अ सिम्बॉल और अ साइन यूज ऑन एनी प्रोडक्ट और गुड दैट ओरिजिनेट्स इन एन स्पेसिफिक एरिया एंड अटाइन्स स्पेसिफिक क्वालिटी ड्यू टू इट्स ओरिजिन देखिए यह एक ऐसा सिंगोल या एक ऐसा चिन्ह है ठीक है जो किसी भी चीज वस्तु के ऊपर लगा जाएगा ऐसी चीज वस्तु जो एक निश्चित स्थान के ऊपर ही जो है उसका उत्पादन होता हो और उस निश्चित स्थान की वजह से उसमें कुछ ऐसे विशेष गुण आ गए हो तो ऐसी चीज वस्तुओं को यहाँ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग जो है वो मिलने पात्र है टैग ऑफ जी आई अस्यूर्स द कंज्यूमर सर्टन क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट विच इज नॉट अवेलेबल अदरवाइज यस जी का मतलब ये है कि वो ग्राहक को एक प्रकार की जिबान देता है एक प्रकार की एक प्रकार का कमिटमेंट देता है कि भाई आपको जो है पहली थी, पहली बात तो कि आपको यह जेन्युन चीज मिल रही है और दूसरी जो भौगोलिक स्थिति में या भौगोलिक स्थान पर जो स्पेसिफिक भौगोलिक विशेष भौगोलिक स्थान पर जो है जहाँ जिसका उत्पादन होता है वहीं से आपके लिए यह चीज जो है वहाँ से उत्पाद होकर आई है तो दिस इज द ऑल सीनरियो कि जी कुछ इस प्रकार की गारंटी ग्राहकों को प्रदान करता है Then, not. एक है यहां बीच कंट्री दार्जिलिंग टी ऑफ आसाम. Yes, आसाम ये बात तो नोधनीय है प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एवं आ, जो है आपके ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए भी ये चीजें जरूरी है साथ ही अगर आखिरी में बात करें तो कश्मीर मशरूम एक्चुअली दर इज अ फुल बंडल ऑफ डिफरेंट गुड्स प्रोड्यूसडिफरेंट जोग्राफिकल पार्ट्स ऑफ द कंट्री मगर उसमें से जो पहला वाला है कश्मीर मशरूम उसे आमतौर पे जो है आखिरी माना जाता है यानी कि पिछले लिस्ट में काफ़ी सारे है कश्मीर मशरूम के साथ काफ़ी सारी ऐसी चीज वस्तु है अलग अलग राज्यों की भारत में मगर पहला नाम ये है तो हम इसे ही

है है the yes, तो ये एक इसका है। इसका मूलभूत मूलभूत कि यह एक प्रकार से जी आई आइडेंटिटी जो है वो अपने आप में एक प्रकार से लाइसेंस की तरह मोनोपोली वाला लाइसेंस की तरह काम करेगी और किसी भी अन्य व्यापारी को किसी भी अन्य विक्रेता को किसी और के जीए टैग की जो चीज वस्तु है कि या किसी और के जीए टेक से कोई मुनाफा आर्थिक मुनाफा प्राप्त तो नहीं करने देगी उसको बाधित करेगी तो एक प्रकार से यह प्रॉपर्टी राइट जैसा ही कुछ हुआ सो दिस इज द दल थिंग विच वॉज टू बी अंडरस्टूड इन इंट्रोडक्शन अब हमें आगे बैकग्राउंड की बात करनी है फिर माइंड मैप की जो है मदद से देखेंगे चीजों को जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि बिफोर नाइनटीन नाइनटी नाइन एक्ट

जो है कारीगरी की कोई चीज वस्तु है अगर वो इस स्पेसिफिक जो है भौगोलिक नाम से जानी जाती है तो उसका लाभ जो है वो काफी सारे डुप्लीकेसी करने वाले जो थे वो ले रहे थे जिनकी बदौलत यहां जो ओरिजिनल थे उनको आर्थिक घाटा होता था देव आर सफरिंग फ्रॉम लॉसेज एंड और बैड इकोनॉमिक सिचुएशन और यहाँ जो कंज्यूमर्स थे उनको भी अच्छी चीजें जो है वो नहीं मिलती थी उस उनके साथ भी फ्रॉड होता था तो दिस वॉज द प्रॉब्लम और यहाँ इसलिए जी जो है उसे भारत में या भारत के इस अर्थतंत्र में बाजार में लाया गया फिर उसके बाद फर्दर इंडिया बिकेम सिग्नेटरी टू ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रिप्स जिसे मैं मालूम है जो कि डब्ल्यू एवं अन्य जो वैश्विक व्यापारी जो संधियां हैं जो समझुतियाँ हैं है, उनके द्वारा यह ऐसे प्रोग्राम्स जो है या ऐसी योजनाएं जो है वो चलाई जाती है वेर इन प्रोटेक्शन ऑफ द गुड्स वुड बी ओनली ओनली ग्रांटेड ऑन रेसिप्रोकल बेसिस बाय द कंट्री ठीक है तो यहाँ ट्रिप्स में भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन का उल्लेख है इन एबसेंस ऑफ स्पेसिफिक लेजिस्लेशन इन इंडिया द इंडियन गुड्स डिड नॉट रिसीव प्रोटेक्शन इन इंटरनेशनल मार्केट ठीक है और क्योंकि भारत में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था जो कि अपने आप में इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्शन दे तो इसीलिए यहाँ जो है एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की जरूरत थी जो कि भारत की चीज वस्तुओं को आंतरिक स्तर पर संरक्षित रखे उसकी रक्षा करे देयरफॉर ड्यू टू द फॉलोइंग सरकमस्टेंसेस इंडिया ड्राफ्टेड अ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन फॉर प्रोटेक्टिंग गुड्स ओरिजिनेटिंग इन इंडिया और इसीलिए भारतीय सरकार ने एक कॉम्प्रिहेंसिव एक व्यापक ऐसा जो है आप कह सकते हो कि कानून बना बनाया जो अब भारतीय चीज वस्तुओं की रक्षा करेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रक्षा करेगा और यहाँ जो न केवल भारतीय चीज वस्तु मगर उन्हें बनाने वाले जो लोग हैं उनके भी आर्थिक हितों की यहाँ रक्षा इस कानून के द्वारा करी गई है साथ ही में हमारे एक्सपोर्ट्स ठीक है वो भी इससे बढ़े तो ओवरऑल यहाँ ये एक अपने आप में पॉजिटिव कानून है यहाँ एक नोंद दी गई है जो कहती है कि आर्टिकल वन सप्लस टू एंड आर्टिकल टेन ऑफ़ द पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी प्रोवाइड फॉर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन यस एंड आर्टिकल्स ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी फोर ऑफ ट्रिप्स डील विद द जी आई ए मेन्स उपयोगी इन्फॉर्मेशन है ठीक है ये दोनों क्लोजेस दी गई है मगर इंटरनेशनल लॉज की दी गई है जिनमें एक पेरिस कन्वेंशन है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोपर्टी और दूसरा ट्रिप्स वाला है ट्रिप्स में भी सेक्शन बाईस और बाईस से चौबीस जो है वो इसके साथ डील करती है इंडिकेशन से या उनसे रिलेटेड प्रोविजन है तो ये चीजें हमें याद रखनी है इंपॉर्टेंट देखिए तो यहां जी करें तो ये पेरिस कन्वेंशन आएगा फिर हमने जैसे देखा था कि पेटेंट वो मेड्रिड था ठीक है तो इस तरीके से चीजों को याद रखना होगा क्योंकि यह सीधे रूप से मेथ फोइंग के रूप में पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछे जा सकते हैं ऐसे अभी दो तीन ट्रेडमार्क की बात कर ले या अन्य कोई जो है चीज उठा ले फिर बात रही बैकग्राउंड की तो कुछ इस तरीके से भारतीय सरकार मजबूर हुई क्योंकि देर वॉज नो रिक्वायर्ड मैकेनिज्म टू तो प्रोटेक्ट इंडियन गुड्स टू तो प्रोटेक्ट मैन्युफैक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट इंडियन गुड्स टू प्रोटेक्ट इंडियन गुड्स ऑन ग्लोबल स्केल एज वेल ठीक है तो इन सारी चीजों की वजह से सरकार को लगा कि भाई अब जरूरत है और सरकार एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून के साथ आई अब हमें इसके जो है मुख्य उद्देश्य देखने हैं ये बातें हमने देख ली जो कि यहाँ अलग से जो है नोटेड डाउन है मगर उसकी हमें अब कोई जरूरत नहीं है अब प्रमुख प्रावधान मगर उसके पहले हमें कुछ मुख्य उद्देश्य देखने हैं दो जो है वाक्यों में यहाँ उद्देश्यों को

एवं yeah, उन चीज़ों को भी जो है रक्षा प्रदान करना डुप्लीकेसी से कंज्यूमर्स को जो है एलोंग विथ अबउ मैं टू एलिमेंट्स कंज्यूमर्स को भी यहाँ एक प्रकार से फायदा या रक्षा देने की बात यहाँ ये यह करता है क्योंकि आफ्टर ऑल कंज्यूमर्स आर द विक्टिम ठीक है आफ्टर ऑल कंज्यूमर्स विक्टिम रहेंगे बिकॉज दे आर एंड दे आर एट द एंड ऑफ द चेन जो सप्लाई चेन है उसके जो एंड वाला देखे तो हम लोग कंज्यूमर्स को पाएंगे एंड आफ्टर ऑल दे आर गोइंग टू बी चीटेड तो ये सारी चीज़ें ना हो इसलिए यह कानून को लाया गया द अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव टू अचीव द मेन आइडिया आर टू एस्टैब्लिश अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री प्रोवाइड अ डिटेल प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एस्टैब्लिश एडिक्वेट प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म यानी कि यहाँ यह सारी चीज़ों को करने के लिए सरकार को एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन जरूरत पड़ेगी जैसे हमने देखा रिलेवेंट करनी पड़ेगी या अन्य जो बॉडीज चल रही है पावर्स उनमें ट्रांसफर करना होगा उनको चार्ज देना होगा ठीक है कुछ ना कुछ तो अब सरकार को यहां करना है अब इंपॉर्टेंट प्रोविजंस मुख्य प्रावधान जिनमें व्याख्या भी है साथ ही में एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे चीजों को जो है यहाँ इंप्लीमेंट किया जा सकेगा उसकी भी चर्चा है और इन केस ऑफ कंफ्यूजन इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बोर्ड या जो अपीलीय जो व्यवस्था है उसकी भी यहाँ चर्चा की गई है तो यह एक प्रकार से कॉम्प्रिहेंसिव कानून है उसमें कोई दो राय नहीं है अब इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर जिनमें सबसे प्रथम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिस इज द डेफिनेशन सेक्शन टू सप्लोज वन ई ऑफ द एक्ट डिफाइंस इट इज इंडिकेशन फॉर एनी एग्रीकल्चरल नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एज बीइंग ओरिजिनेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द कंट्री ठीक है यहां बेस जो है वो भौगोलिक स्थिति को मिला हुआ है भौगोलिक स्थिति या स्थान कह लीजिए किसी भी भौगोलिक स्थान पर उत्पन्न होने वाली विशेष लक्षण वाली कोई चीज या वस्तु कह लीजिए तो ऐसी चीज वस्तुओं को यहां जी आई टैग मिलने पात्र है उपधारा एक ई में जो है यह चीजें चर्चित है दूसरे बिंदु में रजिस्टर ऑफ जीए की बात की गई है द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क अपॉइंटेड अंडर द ट्रेडमार्क एक्स विल ऑल्सो एक्ट एज अ रजिस्टर ऑफ द फॉर दिस एक्टर जैसे हमने आपको बताया कि अगर नया मैकेनिज्म डेवलप ना करे सरकार तो जो ऑलरेडी प्रस्तावित मैकेनिज्म है अन्य चीजों के लिए उनको चार्ज दे सकता है तो यहाँ बिल्कुल सरकार ने ऐसा ही किया जो ट्रेडमार्क के जो डायरेक्टर जनरल होते हैं जो कंट्रोलर जनरल होते हैं उनको ही यहाँ जी का चार्ज दे दिया गया यानी कि जी के लिए जो कंट्रोल जनरल होंगे वो अब ट्रेडमार्क के भी रहेंगे यानी कि दोनों संयुक्त बिंदु में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री की बात की गई है क्योंकि पंजीकरण करना है तो रजिस्ट्री तो मेंटेन करनी करनी होगी जो कि पान इंडिया किसी को भी उपलब्ध हो सके आज भी हम लोग देख सकते हैं अगर जीए की रजिस्ट्री हम लिखे गूगल में तो पूरा का पूरा जो ढांचा है राइट फ्रॉम द फर्स्ट आइटम टिल लास्ट तो वो सारी चीजें वहां में उपलब्ध रहेंगी देखने के लिए सार्वजनिक की जाएगी तो ऐसी रजिस्ट्री यहाँ अब डेवलप करनी होगी जिसके प्रावधान यहाँ इस कानून में किए गए हैं एज पर सेक्शन फाइव ऑफ द एक्ट रजिस्ट्री विल बी एस्टेब्लिश्ड एंड इट्स हेड ऑफिस विल बी एट एनी प्लेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यस तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जिम्मेदारी तो दी है मगर साथ में कुछ जो है एक प्रकार से कुछ पावर भी दिया है डिसीजन मेकिंग का कि भाई सरकार इसकी रजिस्ट्री को चाहे कोई भी राज्य में कोई भी शहर में रखे उसमें कोई दिक्कत नहीं है इट डिपेंड्स इट ऑल डिपेंड्स ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट अलोंग विद अदर ब्रांच ऑफिस यानी कि रीजनल ऑफिस तो टेरिटोरियल ऑफ ऑफिस विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट यस टेरिटोरियल लिमिट कितनी होगी ब्रांच ऑफिस की वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन राइट नाउ जो है क्रंच चल रहा है लोग नहीं है सरकार के पास इतने तो सरकार क्या करेगी कि ऐसे प्लेसेस को या ऐसी ब्रांचेस को स्टेट में बांट देगी कि भाई तीन स्टेट के लिए एक ब्रांच चार स्टेट के लिए एक ब्रांच पांच स्टेट के लिए एक ब्रांच या पांच से छः से अधिक स्टेटों के लिए एक ब्रांच मगर अगर मैकेनिज्म है अगर सरकार के पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रांच नहीं है सरकार के पास पर्सनल है लोग है रिसोर्स है तो सरकार इसे डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट में भी डिवाइड कर सकती है गवर्नमेंट कैन डिवाइड टू इनटू ब्लॉक्स आल्सो ठीक है तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है सरकार और उसकी व्यवस्था के ऊपर फिर चौथे बिंदु में प्रोसेस एंड ड्यूरेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन की बात की गई है एक इसका ओवरव्यू में मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से यह पूरी प्रोसीजर जो है वो जो है अंडरटेक की जाती है जिनमें सबसे प्रथम है द रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन विल बी रिस्पेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए गुड एज पर द क्लासिफिकेशन प्रोवाइडेड बाई द रजिस्टर विद रिस्पेक्ट टू द टेरिटरी ओरिजिन ऑफ प्रुरे इन द कंट्री तो क्लासिफिकेशन प्रोवाइडेड बाई रजिस्टर विल बी इन अकॉर्डेंस विदरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल ठीक है तो यहाँ कहा गया है कि जो रजिस्टर के द्वारा आपको जो पूरी समरी मिलेगी क्लासिफिकेशन मिलेगा कि आपकी चीज किस तरीके की होनी चाहिए तब जाके आप अप्लाई कर सकेंगे ठीक है तो वो इंटरनेशनल जो नॉर्म्स है इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके अकॉर्डेंस में रहेगी तो ये यह बात यहाँ की गई है क्योंकि ये तो रहेगी ही क्योंकि भारत का लो ही इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डेंस में है तो ये सारी चीजें तो इसके अंदर आएगी फिर उसके बाद देखें तो एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन बाय द रिक्वायर्ड फी कैन बी सबमिटेड टू द रजिस्टर बाय एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और प्रोसीजर्स और बाई एन ऑर्गेनाइजेशन यस तो यहां एक ऐसी एप्लीकेशन यह सारी चीजों को देख कर, आपको जिस चीज जिस उत्पाद के लिए आइडेंटिफिकेशन टैग चाहिए आप उसकी एप्लीकेशन यहाँ रजिस्टर के द्वारा जैसे प्रोसीजर प्रिस्क्राइब की गई है उसके तहत दे सकते हैं एंड इट कैन बी सब्मिटेड बाई जैसे यहाँ कहा गया है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कि कुछ लोग जो है वो इकट्ठे हो साथ में या अन्य संस्था के द्वारा भी uh, जो है ये सबमिट किया जा सकता है द एप्लीकेशन शुड कंटेन ऑल द नेसेसरी डिटेल्स दैट हैव बीन लेड डाउन इन द एक्ट अंडर सेक्शन इलेवन यानी सेक्शन इलेवन में सारी जो है माहितियां जो आपको इस टैग लेने के लिए जरूरी है देनी जो आपको डिस्क्लोज करनी आवश्यक है वो सारी चीजें यहाँ सेक्शन इलेवन में चर्चित है तो रजिस्टर विल रिकॉर्ड इन राइटिंग द ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल एंड कंडीशन कंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड कम्यूट द सेम टू द एप्लीकेंट यस तो यहाँ रजिस्टर के द्वारा जो कुछ फैसला लिया जाएगा वो लिखित में लिया जाएगा और उसकी उसके बारे में जो एप्लीकेंट है उसको वाकिफ भी किया जाएगा चाहे वे ले रहे हैं चाहे वे सस्पेंड कर रहे हैं चाहे वे टेम्परिली जो है अपने पास रख रहे हैं वो सारी चीजें वट एवर इट मे बी इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट द रजिस्टर ऑल्सो हैज एन ऑप्शन टू डिनाई द एप्लीकेशन वंस एक्सेप्टेड बिफोर ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ इट वॉज एक्सेप्टेड इन इनर एंड और एज पर शुड नॉट बी रजिस्टर्ड यस तो यहाँ एक आप कह सकते हो कि वीटो पावर जैसा है रजिस्टर के पास ठीक है अगर समझ लीजिए कि आप गए आपका प्रोडक्ट लेके आपकी उत्पाद लेके और जो रजिस्टर ने जो प्रोसीजर बोली है उसके तहत सारी माही अकॉर्डिंग टू सेक्शन इलेवन आपने भर दी और आपने एप्लीकेशन आपकी फाइल की विथ एन एसोसिएशन ऑफ सम फ्यू पीपल ठीक है तो इन दैट केस अगर एक बार ले भी लिया रजिस्टर ने मगर फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बीच में जो समय रहता है ठीक है तो उस समय में अगर रजिस्टर को लग रहा है या if you are see satisfied that uh, it is taken by mistake you have to bhul thi so in that case uh, jo registration hai wo uske dwara roka ja sakta hai he has the power to stop the process of registration if you are see satisfied that he has yeah she has uh, done a mistake ठीक है तो ये यहाँ विट्टो जैसा power registrar को मिला हुआ है इस कानून के द्वारा ही Any person can oppose the registration of a GI person within. थ्री मंथ्स आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द एप्लीकेशन यस अगर किसी ने फर्जी आप समझ लीजिए कि भाई कोई एक भौगोलिक निश्चित क्षेत्र में कोई एक चीज़ बहुत ही प्रख्यात है बहुत ही प्रचलित है तो जो उसके जो मूल निर्माता है अगर उसके अलावा किसी ने यह चीज़ें ऐसी फाइल की है और रजिस्टर ने ले भी ली है तो देन ऑल्सो यहाँ तीन महीने का समय मिलता है तो जो कोई मूल निर्माता है मूल विक्रेता है वो आ, आ, जो है इसको अपोज कर सकता है The same notice of the opposition will be sent to the applicant who will be provided with an opportunity to submit a counter statement. Yes, to तो yahan opposition ना jo notice di hoti hai wahi notice yahan applicant ko milti hai jo पुराना applicant hai jiske upar यह notice aayi hai और यहाँ applicant को भी कुछ समय मिलता है counter statement देने के लिए, जवाब देने के लिए। The register में also conduct a hearing between parties to decide upon the registration of tag. Yes, तो यहाँ register के पास यह civil

कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो ही है मगर अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है तो कहा गया है कि सारी फॉर्मेलिटीज सारी प्रोसीजर्स जैसे ही संपूर्ण होती है तो आर्टिकल 16 के तहत एप्लीकेंट विल रिसीव सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि जो टैग है वो उनको मिल गया है उसकी उनकी जो उत्पाद है जो चीज है उनको मिल गया है रजिस्ट्रेशन फॉर अ जीए विल बी ग्रांटेड फॉर टेन ईयर्स बट द सेम मे बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम यस हर बार दस वर्ष के लिए यह लाइसेंस मिलेगा और प्रति दस वर्ष यह रिन्यू हो सकता है रिन्यू करवाना होगा अब पांचवें बिंदु में फिफ्थ बिंदु में कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन एज एजोराइज यूजर एनी पर्सन में आस्क फॉर परमिशन फ्रॉम द टू अलाउ हिम एज द रजिस्टर्ड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट रजिस्टर्ड फॉर यू आई तो यह भी एक जो है आउटलेट की बात है समझ लीजिए आपने टैग दे दिए मगर यह सारी टैग वाली ऑथेंटिक चीजें मिलेगी कहाँ इनके लिए भी आउटलेट होना चाहिए तो मेरे और आप जैसे लोगों को सरकारी यह आउटलेट देगी और सेम रजिस्टर जो रजिस्टर जो है गुड्स एंड सर्विस का रजिस्ट्रेशन करता है गुड्स जो होता है जो चीज वस्तु होती है जो उत्पाद होती है उन्हें जो भौगोलिक पहचान प्राप्त प्रदान करता है वही रजिस्टर आउटलेट के लिए भी परमिशन देगा आउटलेट के लिए भी लाइसेंस इश्यू करेगा द एप्लीकेशन फॉर परमिशन विल बी अकम्पनीड बाई डॉक्यूमेंट्स एंड फैक्ट्स वेरीफाइंग दैट इज द द प्रोड्यूसर ऑफ कंसर्न गुड ठीक है तो यहाँ जो उत्पाद है जो उत्पादक अपने आप में यहां विक्रेता बन सकते हैं ठीक है प्रोड्यूसर टू ऑलो कैन बी डीलर और ए सेलर एक्सक्लूसिव फ्रॉम रजिस्ट्रेशन सेक्शन नाइन ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द लिस्ट ऑफ द कैटेगरीज दैट आर प्रोहिबिटेड अंडर बीइंग रजिस्टर्ड एज जोग्राफिकल इंडिकेशन व्हिच इंक्लूड्स एनी टैग हु वुड लाइक कॉज डिसेप्शन और कंफ्यूजन इट्स यूज इज कॉन्टर टू द लॉ इन फोर्स इन इंडिया कॉम्प्राइस ऑप्शिंग मटीरियल्स और एनी अदर मटीरियल दैट कूड हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स तो कुल मिलाकर ऐसी अवैध चीज़ों की जो सूची है वो यहाँ हमें इस कानून की धारा नौ में मिलता है तो ये एक प्रिलिमिनरी का भी प्रश्न हो सकता है पूछा जा सकता है कि जी आई आ, कानून उन्नीस सौ निन्यानवे में, में कौनसी धारा के तहत ऐसी प्रतिबंधित चीज वस्तुओं का उल्लेख या उसकी सूची दी गई है नीचे में धाराओं के ऑप्शन दिए जाते हैं तो यहाँ ऐसे में अध्ययन जो है इस तरीके का वो फायदा करता है चाहे वो आपकी प्रिलिमिनरी हो चाहे वो आपका मेन्स हो चाहे वो आपका इंटरव्यू हो ठीक है तो ये एक एक्सक्लूसिव यहाँ रजिस्ट्रेशन एक्सक्लूसिव फ्रॉम रजिस्ट्रेशन यानी कि उससे उससे दूर अब इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्शन फॉर इन्फ्रिंचमेंट अंडर दिस एक्ट ओनली लाइज फॉर अ रजिस्टर्ड टैग एंड नॉट फॉर अ अनरजिस्टर्ड वन यस रजिस्ट्रेशन करवाने का पंजीकरण करवाने का सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है कि लीगल जो प्रोसीडिंग्स uh, है वो यहाँ रजिस्टर्ड के सामने ही किए जा सकते हैं रजिस्टर्ड के लिए ही किए जा सकते हैं नॉट फॉर अनरजिस्टर्ड वन यू और शी अटेन्स एन एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द जी आई अगर रजिस्ट्रेशन हो गया समझ लीजिए आपकी जो है उत्पाद का आपकी प्रोडक्ट का यू यू कैन कैन यूज़ यूज़ इट इट फॉर मॉनेटरी बेनिफिट एक्सक्लूसिवली ठीक है तो यह जो है हक मात्र आपको ही मिलेगा ऑफ इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इट ही है कि एक, एक मौलिक संपत्ति ही है संपदा ही है मगर यहाँ फिर भी इस मौलिक संपदा यानी कि भौगोलिक यह जो इंडिकेशन है उसकी जो आ, उसका जो पूरा गठन है वो यहाँ पैटर्न्स कॉपीराइट्स राइट्स ट्रेडमार्क्स जैसे आईपीआर से अलग है एंड इन दैट केस द राइट्स ऑफ जीआई कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड नॉट बी कैन नॉट बी लाइसेंस्ड यह टैग जिसको मिला यह रजिस्ट्रेशन जिसके नाम पर हुआ उनके द्वारा ही इसका उत्पादन या इसका सृजन या इसका Uh, जो है इसकी जो है बिक्री की जानी चाहिए फिर आठवें बिंदु में यूज जी एज ए ट्रेडमार्क की बात की गई है ट्रेडमार्क अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट एंड ऑल्सो एनी मार्क विच माइट्यूज ड्यू टू स्नीर सिमिलरली विथ जी आई कैनोट बी यूज तो ये बात भी समझनी है जीआई अलग है ट्रेडमार्क अलग है जीआई को ट्रेडमार्क के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता ट्रेडमार्क को जीआई के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों ही पहले तो उनके जो लेजिस्लेटिव बैकिंग है वो ही दोनों अलग है दोनों के स्वभाव अलग है भले ही दोनों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है मगर दोनों के स्वभाव जो है वो अलग है और यह जो यह चीज़ की वजह से इन दोनों को एक दूसरे के जगह पर यूज़ नहीं किया जा सकता फिर एपेलेट बोर्ड यस इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन केस ऑफ कंफ्यूजन द बोर्ड अंडर दिस एक्ट विल बी सेम दैट हैज बीन अंडर सेक्शन 83 एस्टेब्लिशन एफ दार्क एक्ट नाइन क्योंकि के मैकेनिज्म को ज्योग्राफिकल इंडी जो है इंडिकेशन के इम्प्लीमेंटेशन का कार्यभार मिला है जैसे हमने देखा कि जो कंट्रोलर जनरल थे के वही अब कंट्रोलर जनरल्स एज ए जी काम करेंगे यानी कि उनके पास ये भी चार्ज आ गया तो यहां भी ट बोर्ड में भी सेम गोज जो ट्रेडमार्क की जो अपील है या ट्रिब्यूनल है ट्रिब्यूनल वही अपने आप में जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के साथ जो मिली हुई है यानी कि इनकी भी ये है जी आई की भी ट्रेडमार्क वाली है और ट्रेडमार्क की भी ट्रेडमार्क वाली है एनी पर्सन हु इज एग्रीबिट बाई एनी डिसीजन ऑफ द कैन फाइल एन अपील विद इन थ्री मंथ्स ऑफ द डिसीजन ऑफ द बोर्ड यस अगर किसी एप्लीकेंट को अगर किसी पार्टी को रजिस्टर से अगर कोई असंतुष्टि हुई है रजिस्टर का कोई निर्णय से तो वो तीन महीने के भीतर उस रजिस्टर के निर्णय से तीन महीने के भीतर एपेलिट बोर्ड के साथ अपनी अपील या अपनी समस्या फाइल करवा सकता है नो अदर कोर्ट साल है राइट टू एक्सरसाइज जुडिशन ओवर सच मैटर यस अगर मुद्दे में जी की बात है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की तो भारत के कोई भी न्यायालय में कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती मात्र और मात्र जी के एपेलिट बोर्ड में जो कि ट्रेडमार्क का है उसमें ही यह की जा सकती है। तो अब यह सर मुख्य प्रावधान अब हमें आलोचना देखनी है आलोचना के साथ इंपॉर्टेंस भी देखते चलेंगे शुरू करेंगे आलोचना से पहला बिंदु प्राइमरी रीजन फॉर इंडिया टू कम अपॉर जी आई वो टू फुलगेशन अंडर डब्ल्यू टी देन प्रोटेक्टिंग इट्स पहली आलोचना तो यह है कि भारत को उसके नागरिकों की कोई पड़ी नहीं थी भारत के उसके अर्थतंत्र की उसकी विरासत की कोई पड़ी नहीं थी मगर भारत को तो मात्र और मात्र डब्ल्यू के द्वारा जो जो है नीति नियम बनाए गए हैं जो आज लागू है डब्ल्यू के सभी राष्ट्रों के बीच में तो वही मात्र और मात्र जो है ओब्लिगेशन था अगर सिटीजन की उनको इतनी ही पड़ी थी तो नाइनटीन में क्यों आया आज तो हम लोग सेवन में हो चुके थे या नाइनटीन के बाद तो रिफॉर्म्स भी आ गए थे तो तब भी सुधार हो सकता था मगर अब जाकर 1999 में हुआ तो ये इसका पहला बिंदु दूसरा इंडियन जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन लॉ सीम्स वीक इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एडिक्वेट प्रोटेक्शन टू द प्रोड्यूसर यस भले ही हमने बनाया हो मगर यह बहुत ही दुर्बल कानून है इसमें कोई ऐसी इन्फ्रिंजमेंट के लिए जो है कोई ऐसे सख्त प्रावधान नहीं सख्त कानून नहीं है जो कि एप्लीकेंट को या जो टैग होल्डर है जो रजिस्टर्ड है मैन्युफैक्चरर उनको प्रोडक्शन प्रदान कर सके अगर विश्व के मेकेजम्स देखे अलग अलग देश के इन कॉन्टेक्स्ट विथ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन तो वे बहुत ही कठोर है और प्रोड्यूसर्स को बहुत ही अच्छा संरक्षण वहां मिला हुआ है एंड थर्डली गवर्नमेंट शुड मेक अ लॉ दैट इज मोर स्ट्रिंजेंट एंड ग्रांस प्रोटेक्शन टू मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट गवर्नमेंट को यह कानून को और सख्त बनाना चाहिए कठोर बनाना चाहिए भले ही संशोधन से कुछ ऐसा प्रावधान जो इंक्लूड करना चाहिए पेनल्टी के लिए इन्फ्रिजमेंट वगैरह जो है और साथ में मोर एंड मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को इस अम्ब्रेला के तले लाना चाहिए ताकि उनको भी रक्षा जो है यह कानून का मिलता रहे उस प्रोडक्ट्स को भी मिलता रहे और उनके निर्माताओं को भी मिलता रहे तो ये कुल मिलाकर बात होगी इसके आलोचना की ऑन द हमें इसके महत्व के बारे में समझना है चार बिंदु है प्रथम बिंदु कहता है कि जी आई प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ द कंट्री यस और डोमेस्टिक तो इंक्रीज हुआ ही हुआ मगर ग्लोबली भी एक पहचान हमारे प्रोडक्ट्स की बन गई साथ ही एक प्रोटेक्शन भी हमें मिलने लगा क्योंकि अब हम डब्ल्यू एवं ट्रिप्स के जो बनाए गए जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इन रिगार्ड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो हम उनको भी अब फॉलो कर रहे हैं ये सारे लो हमारे इन एकॉर्डेंस विद दैट इंटरनेशनल जो पूरी लीगल सिस्टम है उसके साथ बहुत ही इनकॉर्डेंस है दूसरे बिंदु में ऑल्सो रजिस्टर्ड प्रोडक्ट फैचर्स मोर इन मार्केट कंपेयर टू अनरजिस्टर्ड वन ये भी बात सही है क्योंकि एक प्रकार की ब्रांडिंग होगी और जो ग्राहक है वो अपने आप में जो है कोई भी ब्रांडिंग ब्रांडेड चीज की तरफ उसका आकर्षण होगा तो इसकी बदौलत रजिस्टर्ड गुड्स आर बेटर देन अनरजिस्टर्ड वंस फिर मोस्ट ऑफ़ द गुड्स दैट आर जनरली रजिस्टर्ड एज जी आई आर प्रैक्टिस बाई ट्रेडिशनल कम्युनिटीज विच हेल्प इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसे मैंने शुरुआत नहीं बताया कि भारत जो है वो बहुत ही डाइवर्स देश है बहुत ही विविध देश है उसमें तो कोई दो राय नहीं है साथ ही काफ़ी सारी जातियाँ हैं प्रजातियाँ हैं और इनके अलग अलग परम्परागत व्यवसाय है ठीक है चीज़ों को बनाने हुनर है एक प्रकार की स्किल है तो वो सारी चीजें जैसे यहाँ दिया गया है कि भाई मोस्ट ऑफ़ द गुड्स विच आर रजिस्टर्ड जी आई आर एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड बाई ट्रेडिशनल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया यानी कि उसमें जो है निम्न जातियाँ होती है पिछड़ी जातियाँ होती हैं एवं जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं वो भी इसमें शामिल है तो ये चीज़ें उनके घर में पैसा ला रही है उनके घर में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ा रही है उनके जो है जीवन धोरण में भी फेरफार हो रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में एवं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी सुधर रही है तो ये मुझे लगता है कि इस कानून का सबसे पावरफुल मेरिट पॉइंट है और आखिरी में एक्ट ऑल्सो इन द लॉन्ग टर्म वुड प्रोटेक्ट मेनी ट्रेडिशनल वेज ऑफ प्रोडक्शन एंड क्राफ्टमैनशिप ड्यू टू हाई डिमांड फॉर प्रोडक्ट इन नेशनल इंटरनेशनल मार्केट यस और यही कानून यह सारी कलाओं को जीवित रखेगा पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखेगा अगर इन चीज़ों को प्रमोशन नहीं मिले ठीक है तो यह चीजें यह कला है धीरे धीरे नष्ट प्राय हो जाएगी ठीक है क्योंकि अगर किसी जो है हुनरशाली पिता को अपने व्यवसाय में भविष्य नहीं दिख रहा है तो वो अपना हुनर अपने जो है अपनी अकली पीढ़ी को ट्रांसमिट नहीं करेगा ठीक है तो इसकी वजह से वो पूरी हुनर जो है वो खत्म ना हो तो ये भी यहाँ ख्याल इस कानून के द्वारा रखा गया है अपने आप में यह प्रोटेक्शन है तो कुल मिलाकर यह इसके इम्पोर्टेंस है जैसे यहाँ इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है तो यह पूरी जो हमारी बात हमारी चर्चा हमारा उपाख्यन यहीं संपूर्ण होता है आई होप यू डू द लेक्चर हम लोग अगले जो है इसी श्रृंखला के अन्य लेक्चर में मिलेंगे अन्य कानून के साथ वैसे जैसे मैं आपको बताइए कि यह आखिरी कानून है भाग दस का भाग ग्यारहवा डील करता है ऐसे कानूनों के साथ है जो कि एनवायरमेंट एवं बायोडाइवर्सिटी के साथ संबंधी हो एनवायरमेंट की रक्षा के लिए और बायोडाइवर्सिटी के प्रमोशन के लिए उसके फैलाव के लिए जो कुछ कानून जुड़े हुए हैं वो हम लोग भाग ग्यारह में उसकी चर्चा करेंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत साथ ही रखमोट यू पी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है मुलाकात लेना ना भूले तो आज इतना ही मिलेंगे जय हिंद जय भारत